नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से देश भर में बस्ती संपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान मोर्चा कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जा रहे हैं, साथ ही लोगों को भाजपा की सरकारों द्वारा दलितों के हित में किए गए काम और कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दलों की कारगुजारियों की जानकारी दे रहे हैं। यह बात भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कही। उन्होंने कहा कि यह अभियान संविधान दिवस 26 नवंबर तक चलेगा। 70 दिनों के इस अभियान में मोर्चा के कार्यकर्ता देश की 75,000 और मध्य प्रदेश की 30,000 दलित बस्तियों में संपर्क कर रहे हैं। इसके लिए देश के 30 प्रांतों के 871 जिलों में 5 लोगों की संपर्क टीम बनाई जा चुकी है और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। एक चीज और हुआ है इस दौरान, एक काम हम और कर रहे हैं मोर्चे के लोग, देश के 7,500 अनुसूचित जाति के छात्रावासों में भी हम संपर्क कर रहे हैं। कल मैं कानपुर के सिद्धार्थ नगर में सिद्धार्थ हॉस्टल में मैं गया था, संपर्क किया था। बच्चों के बीच में जाकर आपको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 59,000 नरेंद्र मोदी ने जारी की है, क्योंकि आज़ादी 1942 से लेकर 2 साल पहले तक केवल 1100 करोड़ थी पूरे देश में। मोदी जी ने उसको 59,000 करोड़ बढ़ाकर किया, वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा समय पर। प्री मैट्रिक छात्रावास में जो आपको सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही। हॉस्टल कैसा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। आपको भोजन कैसा मिलता है, आपको रहने की सुविधाएं क्या है, इस सब पर हम चर्चा करते हैं। शेष बच्चे आप लोग कुछ बताना चाहते हो तो वो भी बताइए, इन सारे विषयों पर हम उसमें चर्चा करते हैं और अपनी केंद्र सरकार की प्रदेश की जो योजना है उनको भी रखते हैं, ताकि उन योजनाओं का वो लाभ ले सके, चाहे वो बेरोजगारी से संबंधित हो। तीसरा, एक इस अभियान के दौरान और काम कर रहे हैं, एक जिले में कम से कम 25 अनुसूचित जाति के जो हमारे प्रोफेसर है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, रिटायर्ड अधिकारी है, खिलाड़ी है, लेखक है, पत्रकार है, कोई फिल्मी कलाकार है, लोकगीत कलाकार है, ऐसे लोगों से भी 70 दिन के अभियान में हम लोग मिल रहे हैं। इसलिए विभिन्न राज्यों ने चरणबद्ध तरीके से इस अभियान की अपनी योजना बनाई है। ये 70 दिन के इस अभियान में मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के बाद अगर दूसरा कोई बड़ा प्रदेश है जिन्होंने बड़ा लक्ष्य अपने हाथ में लिया है, तो मध्य प्रदेश के हमारे एससी मोर्चे ने पार्टी के नेताओं से बात करके 30,000 अनुसूचित जाति की बस्तियों तक जाने का लक्ष्य लिया है और उस पर काम भी चालू हो गया है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।